आज हम बात करेंगे विच इज़ बेटर टू बाई होंडा एक्स ब्लेड या फिर अपार्ची 164B। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा, लगभग कंप्लीट रिव्यू करूंगा कि आपको दोबारा कहीं और जाके किसी चीज़ के बारे में पता ना करना पड़े। मतलब आपने एक अगर ये वीडियो देख लिया तो आपकी सारी कन्फ्यूजन्स, मैक्सिमम कन्फ्यूजन्स आपकी दूर हो जाएंगी। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 15 मिनट का हो जाएगा, लेकिन इसमें आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगी। हर एक चीज़ के बारे में मैंने इसमें इस वीडियो में बताया है, और आपको आपके हिसाब से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, होंडा एक्सप्लोर लेनी चाहिए या फिर टीवीएस अपाची 164B लेनी चाहिए, आपका ये डिसीजन जो है आपको लेने में आपको सहायता होगी। तो 6 पॉइंट मैंने इसमें रखे हैं, तो पहले पॉइंट पे आते हैं। तो पहले पॉइंट जो, अगर आपको हेडलैम्प का लुक देखना है तो हेडलैम्प अगर लुक देखिएगा तो होंडा एक्सप्लोर में आपको LED हेडलैम्प मिलेगा 12 वोल्ट 4 एम्पियर बैटरी के साथ। तो वहीं पे अगर आप अपार्ची का हेडलैम्प देखिएगा तो उसमें आपको हैलोजन बल्ब मिलेगा जो कि पीला जैसा लगता है, LED बल्ब आपको जो वाइट जैसा लगता है, जो आपको देखते होंगे रास्तों में अगर आप किसी बाइक्स में देखते होंगे, तो इस तरह का है। दोनों में HO फैसिलिटी है, जब भी गाड़ी ऑन रहेगी चाहे दिन हो या रात हो, आपके पास आपका हेडलैम्प को स्विच ऑफ करने का आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, हमेशा आपका हेडलैम्प ऑन ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें एक ये चीज़ है जो कि नया लागू हुआ है, काफ़ी 1-2 साल हो चुका है इसको लागू हुए। तो आपको अपार्ची में वही बैटरी का एम्पियर ज़्यादा है एक्सप्लोर के मुकाबले। अगर फ्लैशिंग लाइट देखा जाए, मतलब टर्न इंडिकेटर अगर देखा जाए, तो आपको एक्सप्लोर में थोड़ा हाइट पे मिलेगा, लेकिन अगर आप अपार्ची में देखिएगा तो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल होता है आपके हेडलैम्प के मिडिल बेस पे, यहाँ पे जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे ये मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको हाइट में मिलता है। वहीं पे आपको अपार्ची में जो है थोड़ा सा एक लुक यहाँ पे आपको ख़राब लग सकता है क्योंकि मीटर को कवर नहीं किया गया है विंड ग्लास से, छोटा सा भी विंड ग्लास इतना इतना दूर में दे देता तो अच्छा लगता, लेकिन उसका अपना डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन के हिसाब से डिज़ाइन मॉडलाइज किया हुआ है, तो इसको एक डिज़ाइन ही समझिए आप। और इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है जिससे आपका मीटर जो है वो कवर हो जाता है आगे से, लेकिन अपार्ची 164B में मीटर कवर नहीं होता है। तो ये आगे का जो है आपका हेडलैम्प का लुक रहेगा, ये मैंने दिखाया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो दोनों का फ्यूल टैंक देख सकते हैं। अपार्ची का फ्यूल टैंक का सीट के बाद जो पोजीशन है वहाँ से हाइट जो है ज़्यादा उठता है, लेकिन अगर आप एक्सप्लेट देखिएगा तो जैसे आपको यूनिकॉर्न में आपने देखा होगा तो उस तरीके से उठता है सीट का, सॉरी ये टैंक का हाइट, और यहाँ पे अपार्ची में आपका ज़्यादा उठता है। इसके कारण अंतर क्या आता है, इसमें दोनों मस्कुलर बॉडी अच्छा देखने में रहेगा, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि जब आप बैठते हैं तो आपको ये एक्सप्लोर ज़्यादा स्पेस देगा बैठने का, और अपार्ची आपको आगे की तरफ से कम स्पेस देगा बैठने का। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है, मतलब अगर सीट सीट साइज अगर सेम भी हो फिर भी आपको एक्सप्लोर में सीट का साइज बढ़ जाएगा क्योंकि उसका हैंडल, आपका टैंक का शेप जो है वो नॉर्मल इस तरह स्लोप में है और अपार्ची का खड़ा है आगे की तरफ से ऊपर है, तो ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है। दोनों का जो टैंक है वो 12 लीटर का पेट्रोल कैपेसिटी का टैंक है। तो अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तो मीटर जैसा कि मैंने दिखाया अपार्ची में आगे में विंड शील्ड से ढका हुआ मीटर नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्लेन में है ढका हुआ। तो दोनों में फुली डिजिटल मीटर अवेलेबल है, दोनों में वही फ्यूल मीटर, फ्यूल इंडिकेटर और जो भी जो नेसेसरी चीज़ होते हैं, कितना RPM पे गाड़ी चल रहा है, कितना स्पीड में चल रहा है, इसमें गियर इंडिकेटर भी दिया हुआ है आपको एक्सप्लेन में, अपार्ची में गियर इंडिकेटर होगा शायद इसमें भी, तो ये सब चीज़ें दी हुई है। बाकी जो एक खास चीज़ ये भी है कि यहाँ न्यूट्रल व्यूट्रल वो भी सारा ऑनबोर्ड डिजिटल स्क्रीन मीटर के बाहर में दिया हुआ है। तो ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो मीटर में ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। अगर पीछे का टेल लाइट को देखा जाए तो देख सकते हैं कि आपको एक्सप्लेन में टी शेप का बनाया हुआ है, लेकिन आपको अपार्ची में पहले पल्सर का जो लंबा आता था उसको छोटा करके दो दांत की तरह दिखा रहा है, तो वो भी अच्छा लगता है जब चलता है गाड़ी। दोनों दोनों अपने आप में बेहतरीन लुक देता है, पसंद आप कौन सा करते हैं। चाबी का अगर पोजीशन देखें आप, की पोजीशन, तो की पोजीशन भी दोनों का सेम जैसा है। दोनों का हैंडल का जो डिज़ाइन है वो भी सिंगल हैंडल है, मतलब वो 2 बार जो कसा जाता है वैसा नहीं है, दोनों सिंगल हैंडल है। एक हैंडल है जो कि ट्रेडिशनल आता था चलाने के लिए, वही हैंडल है। ठीक है, अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट जैसे मैंने टेल लाइट बता दिया, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, दोनों का साइलेंसर का डिज़ाइन देखते हैं। तो अगर साइलेंसर की बात करें तो आप देख सकते हैं अपार्ची का साइलेंसर कैसा है, कुछ नया लुक के साथ आया है, डुअल आउटलेट है इसमें। अगर आप एक्सप्लेट का साइलेंसर देखेंगे तो एक्सप्लेट में भी डुअल आउटलेट है, लेकिन ये ट्रेडिशनल जो पहले से साइलेंसर आता था उसी लुक में आया है।
तो आपको देखने में दोनों ही मजबूत लगता है देखने में। अपाची का साइलेंसर का अगर हाइट देखिएगा तो आपको हाइट ज़्यादा है, वो पीछे वाले टायर के बेस यानी 17 इंच के ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर आप एक्सप्लेड में देखते हैं तो हाइट थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं मिलता है आपको, आपको ये मिडिल पे मिलता है, मतलब आपको ये 14-15 इंच पे मिलेगा। तो यहीं आपको अपाची 164 में 17-18 इंच के हाइट पे मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों में ये अंतर आ जाता है। अब आगे की तरफ देखते हैं, जस्ट ए मिनट। तो ट्रेडिशनल है वही जैसे मैंने इसमें बताया, गुड लेकिन हाइट टायर के ऊपर आता है। चलिए अब 6 पॉइंट पे आते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों के अलॉय व्हील में आप देख सकते हैं। आप एक्सप्लेड में जो नॉर्मल आपको होंडा यूनिकॉर्न में आता होगा 5 स्पोक व्हील आता है, लगभग वही डाला हुआ है, लेकिन अपाची में अगर आप देखिएगा तो 6 स्पोक व्हील डाला हुआ है, जो कि नया टाइप लग रहा है और नया थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, अट्रैक्टिव लगेगा और क्या लगेगा। दोनों का व्हील का साइज जो है सेम है, 17 इंच का 17 इंच का दोनों में आपको मिलेगा। दोनों स्टाइलिश स्ट्रॉन्गर लग रहा है देखने में आपको, दोनों में ट्यूबलेस टायर लगता है, लेकिन टायर का थोड़ा साइज में अंतर है जो कि आप देख सकते हैं आंकड़ों में। एक्सप्लेड में जो टायर का साइज है और रियर का टायर का साइज है तो देख सकते हैं आप, और अपाची में जो टायर का साइज है आगे वाला और रियर टायर का साइज है वो भी आप इसमें आंकड़ों में देख सकते हैं। तो जैसे कि अपाची में दो तरह का टायर चूज करने का आपको ऑप्शन मिला है, वहीं पे अगर आप ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक फैसिलिटी, दो तरह का फैसिलिटी अवेलेबल है आपको अपाची में, जबकि आपको एक्सप्लेन में सिर्फ ड्रम ब्रेक फैसिलिटी मिलेगा। तो इस कारण से अगर आप ड्रम ब्रेक फैसिलिटी लीजिएगा अपाची में तो आपको टायर का जो विड्थ है वो थोड़ा कम हो जाएगा, अगर आप डिस्क ब्रेक लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये दोनों के टायर में अंतर है, तो आपको जो भी चूज़ करना हो, TVS का टायर लेना हो, पिडेली का टायर लेना हो और एक और कंपनी है उसका भी टायर लेना हो, तो आप उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं अपाची में, आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन होंडा में आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, अगर आपको MRF का दिया जाए तो MRF का लीजिए, TVS का दिया जाए तो TVS का लीजिए, तो वो आपको जो है एक्सप्लेन में फिक्स रहेगा। अब 9th पॉइंट पे आते हैं, सस्पेंशन की बात करते हैं। तो दोनों में सेम टाइप का सस्पेंशन लगा हुआ है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आगे में और मोनो सस्पेंशन जो है रियर व्हील में लगा हुआ है। अब दोनों का जो सीट का साइज, जैसे कि मैंने वो सीट का साइज तो ठीक ही सेम ही है, लेकिन आपको एक्स प्लेट में सीट का साइज जो है ज़्यादा मिलेगा अपाची 164B के मुकाबले, ये इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। टैंक टैंक का जो शेप है उसके कारण भी ज़्यादा मिलेगा और सीट का साइज भी ज़्यादा है उसके कारण भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो है दोनों में ये चीज़ का अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 11th और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करें, तो एक्स प्लेट का जो है ब्रेकिंग सिस्टम में आपको सिंगल डिस्क आगे दिया हुआ है, पीछे में डिस्क ब्रेक नहीं है, रियर टायर में रियर व्हील में डिस्क ब्रेक नहीं है आपको एक्स प्लेट में। वहीं आपको अपाची में फ्रंट डिस्क और रियर डिस्क दोनों मिलता है, आप रियर डिस्क नहीं भी ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है आप, लेकिन दोनों ही गाड़ी में आपको CBS या फिर ABS का ऑप्शन नहीं मिलता है। CBS तो सिर्फ होंडा ही देता है, लेकिन ABS का ऑप्शन जो देना चाहिए गाड़ी में वो आपको दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप हॉर्नेट में जाते हैं तो हॉर्नेट में आपको मिलता है, लेकिन एक्सप्लेड में आपको ABS का ऑप्शन नहीं मिलता है, CBS का भी ऑप्शन नहीं मिलता है, जो आपके पास यूनिकॉर्न में अवेलेबल है CBS का ऑप्शन। कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जो दोनों आगे पीछे चक्का जो एक साथ ब्रेक लगता है वो भी आपको एक्सप्लेड में नहीं मिलता है। तो ये चीज़ एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि पहले वाले यूनिकॉर्न में होंडा ने दिया है CBS, लेकिन एक्सप्लेड में नहीं दिया है, तो हम कुछ होंडा की अपने स्ट्रेटेजी होगी, उसके कारण आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। वहीं पे आप अगर डिस्क ब्रेक का साइज़ देख लीजिएगा तो फ्रंट डिस्क ब्रेक का साइज एक्सप्लेट का 276 mm पेटल डिस्क है, और आपको अपाची में भी फ्रंट में पेटल डिस्क ब्रेक है 270 mm का। वहीं पे रियर व्हील में सिर्फ आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा एक्सप्लेट में, वहीं आपको अपाची में ड्रम ब्रेक और पेटल डिस्क ब्रेक दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपको कौन सा पसंद है, डिस्क ब्रेक लेना है, डबल डिस्क लेना है, आपको कितना ब्रेकिंग चाहिए, उस हिसाब से दोनों में ABS है, नहीं तो लगभग दोनों का ब्रेकिंग सिस्टम बराबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपाची में डिस्क ब्रेक रियर व्हील में भी दिया गया है। चलिए अब 12th पे आते हैं, तो अगर आप डायमेंशन की बात करें तो आप डायमेंशन देख सकते हैं, अपाची आपको ज़्यादा खड़ी गाड़ी लगती है, रेसिंग टाइप लगती है, लेकिन आपको एक्स ब्रेक एक ट्रेडिशनल एक अच्छी कम्यूटर बाइक लगती है, तो दोनों बाइक देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो अगर लेंथ देखा जाए तो लेंथ में भी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन हाँ अपाची थोड़ी ज़्यादा लंबी है यहाँ पे। विड्थ अगर देखा जाए तो चौड़ाई में भी अपाची आपको ज़्यादा लंबी मिलेगी, आपको हाइट में भी ज़्यादा मिलेगी, व्हील बेस में भी आपको ज़्यादा मिलेगी, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो उसमें भी आपको अपाची में ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। वहीं अगर वेट की बात करें तो वेट में भी आपको अपाची में ज़्यादा वेट मिलेगा। तो
तो आप अगर डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट लीजिएगा तो आपको 147 kg मिलेगा, लेकिन अगर आप डिस्क ब्रेक वेरिएंट नहीं लीजिएगा तो 143 आपको कर वेट मिलेगा, ठीक है, बिना पेट्रोल, बिना किसी एसेसरीज, बिना लेग गार्ड के आपको ये वेट मिलेगा। इसमें एक चीज़ खास देखना, यहाँ पे आप एक देखते हैं एयर जो ब्लोअर होता है, ताकि एयर आपके इंजन तक पहुँचे, आपका इंजन ज़्यादा ठंडा हो, ये आपको अपाची में दिया गया है, लेकिन आपको एक्सप्लोरर में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो अपाची लोग लेते हैं रेसिंग टैग दिमाग से, अरे मुझे गाड़ी तेज चलानी है, मुझे रेसिंग करना है, इस तरह से लोग दिमाग से अपाची लेते हैं। लेकिन जो एक्सप्लोरर ले रहे हैं तो वो कम्यूटर बाइक की तरह से लेना चाहिए उनको, कि तो वो डेली चला रहे हैं, अच्छी स्पीड में भी चला रहे हैं, उनको ज़्यादा हर्ष ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो। ये पीछे आप देख सकते हैं टायर को कवर दिया गया है, ताकि ज़्यादा आपको पीछे पानी वानी में आप चलाए तो पीछे वाले को ज़्यादा परेशानी ना हो, और या फिर आपको रिटर्न हो आपके पीठ पे आके ना पड़ जाए आपका छीटा, तो उस तरीके से दिया गया है। तो एक बहुत बेहतर कम्यूटर बाइक के लिए एक्सप्लेट को बनाया गया है। अपाची भी एक बहुत कम्यूटर बाइक है, लेकिन एक इसमें थोड़ा एडवांटेज डाल के इसको रेसिंग के लिए भी जो है एक चॉइस के लिए एक ऐड कर दिया जाता है। चलिए अब इंजन की बात करते हैं, तो दोनों में है 5 गियर ट्रांसमिशन का इंजन है। एक्सप्लेट में सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 162 cc का इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, VS4 इंजन तो होगा ही, और ऐसा ही इंजन जो एक होंडा मार्क करके देता है आपको, और HET जो है होंडा इको टेक्नोलॉजी भी एक मार्क करके देता है, वो आपको इंजन मिलेगा एक्सप्लेट में। अगर अपार्ची की बात करें, अपार्ची भी सिंगल सिलेंडर वॉइल कूल्ड लेकिन इंजन है ये, तो आपको ये एयर कूल्ड इंजन मिलता है यहाँ पे एक्सप्लेट, लेकिन अपार्ची आपको वॉइल कूल्ड इंजन मिलता है। वॉइल कूल्ड इंजन क्या होता है, आपका इंजन से एक पाइप जाता है, जो कि इंजन जब पुशअप करता है वॉइल को तो ऊपर की ओर जाता है, ऊपर एक छोटा सा डब्बा बना रहता है जिसके अंदर कुछ मैकेनिज्म रहता है, उसमें उसके कारण वो वॉइल थोड़ा ठंडा होता है, फिर से इंजन चला जाता है, तो वो सर्कुलेशन लगातार चलते रहता है। जितना देर आपका गाड़ी चलता है तो वो डबल आपका कूलिंग हो जाता है। एक तो आपका एयर कूलिंग फैसिलिटी है ही, ये जो आपको काटा काटा दिख रहा है इसी कारण से, ऊपर से आपको वाइल्ड कूल फैसिलिटी भी आपको अपार्ची में मिलता है। तो वहीं पे आपको अपार्ची का 160 cc का बाइक है, 4 स्ट्रोक इंजन है, और इसमें 4 बल्ब मिलता है जो इनलेट आउटलेट करता है, जो आपको एयर फ्यूल मिक्सचर को इनलेट डालता है और फिर आउटलेट से साइलेंसर से बाहर निकालता है जला हुआ एयर फ्यूल मिक्सचर को, उसके लिए आपको 4 बल्ब मिलता है, जिसके कारण आपको जो है स्पीड में, पिकअप में, या फिर आपको इंजन ठंडा रखने में, जब आउटलेट जब जल्दी बाहर एयर निकलेगा तो इंजन ठंडा रखने में, पिकअप बनाने में, ये सब में जो है मददगार साबित होता है। जैसे कि किसी भी 4 व्हीलर कार के इंजन में एक पिस्टन के लिए 4 बल्ब ही लगे होते हैं, तो उसी तरह से अपाची में भी दिया गया। फिर आप बड़े बाइक्स में जाइएगा, सुपर बाइक्स में जाइएगा, तो उसमें भी एक पिस्टन के लिए 4 बल्ब होते हैं, लेकिन आपको डेली कम्यूटर बाइक्स में, छोटे बाइक्स में जो है, शुरुआत में बाइक्स आई थी 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन, तो उसमें 2 बल्ब लगे रहते थे, जैसा कि होंडा में अभी भी लगा हुआ 8 है, तो 4 बल्ब भी उसी तरह काम, जैसे कि अपाची की पिछली गाड़ियों में 2 बल्ब अवेलेबल है और अभी 4 बल्ब अवेलेबल है नई वाली गाड़ी में, ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अब दोनों के बोर्ड की बात करें तो देख लीजिए पिस्टन का बोर्ड स्ट्रोक कितना है दोनों में, और उसी तरह अगर आप इसका भी देख लें तो एक्सप्लेट का, दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब पावर की बात करें तो अपार्ची में आपको 60.5 bhp का पावर मिलता है, वहीं अगर एक्सप्लेट में देखा जाए तो आपको 13.9 bhp का पावर मिलता है, तो पावर में यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर RPM में देखिएगा तो RPM में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, अगर टॉर्क में भी देखिएगा तो टॉर्क में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन इसको भी डिफरेंस आप मान सकते हैं, क्योंकि RPM यहाँ पे भी आपको अपार्ची का ज़्यादा है। वहीं पे अगर आप टॉप स्पीड भी देखिएगा तो टॉप स्पीड भी आपको दोनों गाड़ियों का काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। एक्सप्लेट आपको वो 117 कंपनी क्लेम कर दी है, लेकिन 120 तक चली जाती है, वहीं अपार्ची इनका भी आपको 127 या 125 क्लेम कर दी है, लेकिन 135 तक चली जाती है टॉप स्पीड, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, माइल में नहीं, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा अंतर है दोनों में, क्योंकि अपार्ची को रेसिंग और कम्यूटर दोनों कॉम्बी करके बनाया गया है, वहीं आपको एक्सप्लेट जो है ज़्यादातर आपको कम्यूटर के लिए बनाया गया है और रेसिंग के लिए कम बनाया गया है, उस हिसाब से किया गया। अगर रेसिंग में जाइएगा तो आपको लिए हॉर्नेट जो है अपार्ची को टक्कर देने के लिए खड़ी होती है, लेकिन उसका भी टॉप स्पीड अपार्ची के जितना नहीं है। अब माइलेज पे बात करते हैं, तो दोनों में एटलीस्ट आपको सेम माइलेज मिलेगा, 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का, नहीं आपको हाईवे में 45 से 52 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल सकता है, लेकिन वो तभी मिलेगा आपको जब आप इकोनॉमी लेवल में ड्राइव कीजिएगा। आप 90-100 की स्पीड में काफ़ी देर तक ड्राइव कीजिएगा तो आपको इतना माइलेज नहीं मिलेगा। तो अगर आप देखिएगा तो दोनों में ही माइलेज बराबर है, लेकिन अगर आप फिर भी अगर जज किया जाए और यहाँ पावर के हिसाब से देखा जाए, पावर डिलीवरी, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं अपाची का ज़्यादा है, एक्सप्लेट का कम है, RPM भी ज़्यादा है, एक्सप्लेट का कम है, उस हिसाब से एक्सप्लेट आपको अपाची के मुकाबले कुछ ज़्यादा माइलेज देगी, लाइक 4-5 किलोमीटर
एक्स ब्लेड आपको अपार्ची के मुकाबले ज़्यादा माइलेज देगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, मतलब अगर आपको अपार्ची 40 का माइलेज दे रही है तो एक्स ब्लेड 45 का माइलेज 45 का माइलेज देगी, लेकिन अगर आपको अपार्ची 35 का माइलेज दे रही है तो आपको एक्स ब्लेड जो है 40 का माइलेज देगी या फिर 45 का माइलेज देगी। तो लगभग एक्स ब्लेड का जो है माइलेज जैसे यूनिकॉर्न का काफ़ी अच्छा माना जाता है, 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज लोकल में दे देती है। तो उसी तरह यूनिकॉर्न का सेम इंजन लगभग ये भी है, तो ये भी आपको 50 किलोमीटर पर लीटर का एक्स ब्लेड माइलेज दे देगी, लेकिन वही आपको अपार्ची जो है 40 से 45 के बीच ही झूलती रहेगी, तो वही माइलेज आपको देगी लगभग। लेकिन अगर अच्छे ड्राइवर हैं आप तो आपको 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा, लेकिन आप वही रेसिंग टाइप गाड़ी चलाइएगा तो आपको उतना माइलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स ब्लेड को रेसिंग टाइप नहीं बनाया गया है, तो डेली लोग उसको आराम से ही चलाएंगे तो उसको अच्छा माइलेज मिलेगा। अगर आप इस अपार्ची को भी आराम से चलाते हैं तो आपको अच्छा माइलेज मिल सकता है और मिलेगा, ठीक है। अब 0.5 में मैंने 15 में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ले लिया है, तो अगर वाइब्रेशन लेवल का बात करें तो अपार्ची में आपको एक्स ब्लेड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन मिलेगा, क्योंकि अपार्ची का जो इंजन साउंड ही है वो धक 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 जो आपको सबसे पसंद आता है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा अपार्ची को लोग लेना पसंद करते हैं इंजन साउंड के कारण, तो थोड़ा सा अपार्ची में वाइब्रेशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है एक्स ब्लेड के मुकाबले। मैंने चलाया भी है अपार्ची, पुरानी अपार्ची भी चलाई है, नई अपार्ची भी चलाई है, थोड़ा सा ज़्यादा जो है वाइब्रेशन एक्स ब्लेड के मुकाबले, क्योंकि होंडा तो है वो साउंडलेस इंजन बनाने के चक्कर में ही रहता है ज़्यादातर कि कितना कम साउंड आए या फिर कितना कम वाइब्रेशन है। तो अपार्ची थोड़ा स्पीडिंग के लिए दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा शायद ज़्यादा इसमें आपको वाइब्रेशन लेवल मिल सकता है, लेकिन नए गाड़ी में आपको उतना वाइब्रेशन लेवल नहीं मिलता है, कुछ पुराने होने पे आपको महसूस होता है, लेकिन नई गाड़ियों में उतना महसूस नहीं होता है। और जब गाड़ी स्पीड पकड़ ले तो फिर और भी वाइब्रेशन का महसूस नहीं होता है, लेकिन हाँ स्पीड में अगर आप 90, 100, 110 पे चला रहे हैं तब तो आपको किसी भी गाड़ी में वाइब्रेशन का महसूस होगा, लेकिन यहाँ पर भी जो है देख लीजिएगा को कौन सा पसंद है, उसमें वाइब्रेशन लेवल पे ज़्यादा मत जाइएगा, आप चलाइएगा तो दोनों गाड़ी आपको पसंद आएगी। अब मेंटेनेंस की बात करें तो दोनों का मेंटेनेंस लेवल सेम है, अपार्ची भी टीवीएस की एक यही गाड़ी है जो कि सबसे कम मेंटेनेंस खोजती है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा कुछ बदमाशी किया तो ज़्यादा मेंटेनेंस खोज सकती है। वहीं पर आपको होंडा के भी मेंटेनेंस का ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, और होंडा भी जैसे यूनिकॉर्न चल रही है उसी तरह ये भी गाड़ी लगभग चलेगी आपको लो मेंटेनेंस में, लेकिन आपको वही अच्छा से गाड़ी चलाना होगा। दोनों का अगर एसेसरीज़ का प्राइस अगर बात करें, मान लीजिए कुछ ख़राब हो गया तो दोनों का मान लीजिए किसी पार्ट का प्राइस भी एक ही जैसा है, तो दाम में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, तो देख सकते हैं। तो मेंटेनेंस में मैं दोनों को एवरेज ही दूंगा, 5 पॉइंट ही दूंगा, मतलब एक ही जैसा आपको खर्च लगेगा। अगर रीसेल वैल्यू का देखिएगा तो अपार्ची का रीसेल वैल्यू थोड़ा अच्छा है, एक्स ब्लेड जो है जल्दी अभी बिकेगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा को लोग एक्स ब्लेड कंप्यूटर के लिए लेते हैं तो अच्छा खासा टाइम चलाते हैं फिर बेचते हैं। तो दोनों का रीसेल वैल्यू की बात करें तो होंडा का भी रीसेल वैल्यू अच्छा है, आप टीवीएस की इस गाड़ी अपार्ची का अगर आप टीवीएस सपोर्ट बेचिए, टीवीएस स्टार सिटी बेचिएगा तो उस सबका रीसेल वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अपार्ची का रीसेल वैल्यू आपको मिल जाता है थोड़ी, ठीक है। तो ये थोड़ी एक फेवरेट बाइक हो जाती है रेसिंग के लिए, अट्रैक्टिव लुक के लिए, तो यहाँ पे देखने में बनता है। अगर ABS का बात करें तो दोनों में ABS नहीं है जैसा कि मैंने बताया, ये थोड़ा मिसिंग फैसिलिटी लगता है। चलिए होंडा का एक्सपर्ट तो थोड़ा कम्यूटर टाइप को लगता है, लेकिन आपको अपार्ची आपको आप रेसिंग के लिए दिखाते हैं, आप एड में भी रेसिंग दिखाते हैं, आप सब कुछ में रेसिंग दिखाते हैं, तो आपको थोड़ा ABS दे देना चाहिए तो अच्छा रहता है। अगर साउंड क्वालिटी का देखा जाए तो साउंड क्वालिटी मैंने जैसे बताया अपार्ची में आपको ज़्यादा अच्छा साउंड मिलेगा, लेकिन अगर साउंड क्वालिटी हाई स्पीड में देखा जाए तो आपको अपार्ची में साउंड मिलेगा साइलेंसर से, लेकिन एक्स ब्लेड में जो है हाई स्पीड पे 60-70 पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंजन चल रहा है। तो इस तरह का जो है फीलिंग दोनों में अलग अलग आता है, तो आपको देख लीजिएगा इसमें आपको क्या पसंद है। सीटिंग पोजीशन की बात करें तो हॉन आपको अगर अपार्ची बैठिएगा तो थोड़ा डाउन सीटिंग लगेगा, लेकिन एक्स ब्लेड पे थोड़ा अप सीटिंग लगेगा। दोनों का अगर हैंडलिंग पकड़ा जाए तो हैंडलिंग में आपको अपार्ची में टाइट हैंडलिंग मतलब हाथ का जो है पूरा टाइट करके पकड़िएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन वहीं पर अगर एक्स ब्लेड पकड़िएगा तो पूरा टाइट नहीं होगा, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर बाइक अच्छा से आप पकड़ते हैं ढीले हैं हाथों से उस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। और फ्यूल सिस्टम की बात करें तो आपको अपार्ची में फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम मिलता है, लेकिन आपको एक्स ब्लेड में सिर्फ कार्बोरेटर सिस्टम मिलता है। अगर दोनों का इंजन क्यूल स्विच किया तो आपको अपार्ची में इंजन क्यूल स्विच मिलेगा, लेकिन आपको एक्स ब्लेड में इंजन क्यूल स्विच नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे एक हजार्ड स्विच मिलता है जिसका इंजन क्यूल स्विच से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हजार स्विच मिलता है, और हजार स्विच आपको अपार्ची में नहीं मिलेगा, इंजन क्यूल स्विच अपार्ची में मिलेगा एक्स ब्लेड में नहीं मिलेगा, तो थोड़ा अंतर है। अगर चैन कवर की बात करें तो आपको एक्स ब्लेड में जैसे यूनिकॉर्न में चैन कवर्ड है, एक्स ब्लेड में चैन कवर्ड नहीं है, ओपन है सीधे हॉर्नेट की तरह, अपार्ची में भी आपको चैन में कोई कवर नहीं गया है। दोनों में आपको अपार्ची में मैट मैट फिनिशिंग कलर जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में,
एक्सप्लेड के मुकाबले। एक्सप्लेड थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसको डुअल कलर में दिया गया है। अपाची को सिंगल कलर दिया हुआ है, डुअल कलर है वहाँ पे आपको, लेकिन थोड़ा सा दिया गया है। लेकिन इसमें आपको देखते हैं रेड जो है एक्सप्लेड में ज़्यादा जगह नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा ही दिया हुआ है। तो ठीक है, कलर का तो कोई ज़्यादा कॉम्बिनेशन होता नहीं है, आपको रेड लेना है रेड लीजिए, अलग अलग जो कलर कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल है वो आप चूज़ कर सकते हैं। अब वेरियंट की बात करें, जैसा कि मैंने बताया आपको, अपार्ची में आपको कार्बोरेटर सिस्टम में मिलेगा और फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम में मिलेगा। तो आप देख लीजिए आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, सिंगल डिस्क लेना है, कार्बोरेटर डुअल डिस्क लेना है, या फ्यूल इंजेक्टर डुअल डिस्क लेना है। फ्यूल इंजेक्टर में आपको जो है कार्बोरेटर सिस्टम नहीं मिलेगा, वहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लीजिएगा तो आपको डुअल डिस्क ही लेना पड़ेगा, फ्यूल इंजेक्टर में आपको सिंगल डिस्क नहीं मिलेगा। ये मैंने एक शोरूम प्राइस बताया है। उसके बाद आप RTO जोड़िए 6-7 हज़ार, इंश्योरेंस जोड़िए 2 हज़ार, 1-1.5 हज़ार ऐसे लगेगा। तो मिला जुला के 10-12 हज़ार रुपये और जोड़िएगा तो आपको जो है ऑन रोड गाड़ी का आपको प्राइस निकल के आएगा। तो दोनों गाड़ी आप अपने अपने, ये मैंने दिल्ली का एक शोरूम प्राइस बताया, आप अलग अलग जगह का अलग अलग RTO फीस होता है, इंश्योरेंस होता है। आप किसी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप जाके पूछ भी सकते हैं। अगर आपको गाड़ी लेना है तो आपको जाके पूछना ही बेहतर है, आपको एकदम ए पॉइंट टू पॉइंट आपको कैसे कितना आपको फाइनेंस होगा ये सब भी जानकारी आपको दे दी जाएगी वहाँ पे। तो चलिए आप डिसाइड कीजिए कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है। और यहाँ पे देखने वाली यही चीज़ है कि आप डेली कम्यूटर बाइक चलाना चाहते हैं, या फिर डेली आप डुअल टाइप का बाइक चलाना चाहते हैं, कम्यूटर भी चलाना चाहते हैं। आप थोड़ा चला के देखिए, मैं यही बोलूँगा, थोड़ा चला के देखिए आपको गाड़ी कौन सी अच्छी लगती है। आपको अगर कोई टेस्ट ड्राइव देता है तो अच्छा है, नहीं देता है तो किसी से मांगिए कि कोई ट्राई कीजिए, किसी से चला के देखिए। आप एक्सब्लेड को चलाना चाहते हैं तो एक्सब्लेड ना मिले तो हॉर्नेट को भी चला सकते हैं, हॉर्नेट भी आपको एक्सब्लेड की तरह ही लगती है, तो हॉर्नेट को भी चलाइए। या फिर आप इंजन का जो है दोनों तीनों एक से एक जैसा इंजन है, हॉर्नेट का हो या फिर एक्सब्लेड का हो, या फिर आपके पास जो है यूनिकॉर्न हो, तो 162 cc का इंजन तीनों का ही है। थोड़ा सा अंतर है दोनों के पावर डिलीवरी में अंतर है, लेकिन आप जो है होंडा का फील जो है आप ले सकते हैं इन तीनों गाड़ी से। अगर आप अपार्ची, पुरानी अपार्ची भी आप चला सकते हैं, नया अपार्ची भी चला सकते हैं, और आप एक अपार्ची का फील ले सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद आएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नई वीडियोज़ देखने के लिए, और लाइक कर लीजिएगा वीडियो अगर पसंद आई हो तो। और कोई अगर आपको पास क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई हो, इतने चीज़ बताने के बावजूद भी कुछ रह गया हो, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या पसंद नहीं है, नहीं आई है, वो आप पूछिएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। चलिए, धन्यवाद।